जाएगा 8, यानी 8:17 टाइम जो है वो रियल टाइम है। क्लॉक का चैप्टर भी सर्च मार लीजिएगा, एक एक चैप्टर जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे आपका हाथ और दिमाग चलेगा, ठीक है। अगला 70, इसका आंसर आप सभी को बताना है। यहां पर दो डाइस नहीं दिया गया है, दो पास छक्का बोलते हैं नॉर्मल में ना, अब बोलने की छक्का तो किसको बोलते हैं, मैं ट्रांसजेंडर को, दिमाग वहीं पर जाता है। हम लोग बचपन में क्या बोलते थे, लूडो छक्का, यहां पर आपके पास ये डाइस दिया गया है, आपको दिया गया है दो बॉक्स है, दो ब्लॉक है, ब्लॉक में क्या दिखाया है, 2, 4, 8, 6, 10, 12। आपसे सवाल में क्या पूछा है, अगर निचले स्तर 10 है तो ऊपरी स्तर क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं सवाल। हेलो, आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में, और रात को बज चुका है आप सभी का 11:30, और ये दिसंबर का आपका मोटा मोटी पकड़ कर चलो लास्ट पार्ट है, ठीक है। और एक बात, इसके बाद जो भी करंट अफेयर आपका स्टार्ट होगा ना, वो आपका जनवरी का स्टार्ट होगा, क्योंकि आप सभी को पता है जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और आज दिसंबर खत्म हो जाएगा। कितने महीने का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है, एक बार काउंट करिए तो, गिनिए तो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिना एक क्वेश्चन छोड़े पूरा क्वेश्चन पढ़े जितना भी करंट अफेयर में आया है। इसके बाद मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मई में नहीं, क्योंकि एग्जाम अभी जो है वो कराऊंगा, पक्का करवाना तो पक्का है, लेकिन अभी मैं कराऊंगा आपको जैन का इसके बाद, क्योंकि अभी 10+2 का एग्जाम आ रहा है, तो जैन का करंट अफेयर भी काफी इंपॉर्टेंट है। सुबह 4:30 तो मैंने करवाया आप सभी को, और कल क्या है, कल शनिवार है, तो कल तो मुलाकात आप सभी से होगी नहीं, रात को 11:30 शनिवार एक दिन टाइम मिलता है जिस दिन मस्ती कर पाते हैं। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं फटाफट। और कल कहां तक हुआ था, कल हुआ था आपका 249 नंबर क्वेश्चन तक, इसका आंसर आप सभी को देना है। ठीक इससे जुड़ा जुड़ा क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था, क्वेश्चन क्या था पहले सुन लो आप सभी। यहां पर क्वेश्चन बोला IAU, कल ही बताया था ना, फुल फॉर्म इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हाल ही में नए खोजे गए सितारों और ग्रह के नाम की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहां पर है, यानी फुल फॉर्म बता दिया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, तो कहां पर है, फ्रांस में, ऑप्शन नंबर आपका डी, कहां, फ्रांस में। फ्रांस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, क्या बताया जाए भैया, राजधानी पेरिस है, मुद्रा CFP फ्रैंक सभी को पता है। और एक बात, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो इमानुएल मैक्रोन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगला 251 नंबर, और टाइमर आपका फिर से स्टार्ट है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने की समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की है। अब यहां पर माइंड में डाउट आएगा दो जन को लेकर, एक तो देश के प्रधानमंत्री और दूसरा हमारे राष्ट्रपति, तो मोदी जी जो है वो क्या है, और स्टेज से भाषण वगैरह दिए थे, लेकिन जो अध्यक्ष थे ना किए थे वो हमारे देश के राष्ट्रपति, इस चीज को याद रखना। प्रेसिडेंट कौन है, तो भैया सभी को पता है रामनाथ कोविंद, ठीक है। 252, यहां पर क्या बोल रहा आप सभी से, हु हैज इनोग्रेटेड द CGSC वेलनेस सेंटर टू इंप्रूव द डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विस, स्वास्थ्य सेवाओं को वितरण में सुधार के लिए CGSC वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर, नई दिल्ली में, किसके द्वारा किया गया है, तो हर्षवर्धन के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। अगला स्वास्थ्य मंत्री है, 53 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, केरला अर्ध उच्च गति रेल परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितना राशि आवंटित किया गया है, आपको बताना है, अमाउंट बताना है, वो अमाउंट कितना है, 66,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर आपका डी, 66,000 रुपीज। केरला के मुख्यमंत्री बोलो पिनारय विजयन, केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान,
केरला के राज्यपाल तो बता दिए हैं, और राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम। और एक बात, अभी आप सभी को मोटा मोटी ये सब जो पॉइंट लिखाता हूं ये सब तो याद हो गया ऑलरेडी, सभी को याद हो गया है ना। अगर मैं कुछ पूछूं तो आप सभी बेहिचक आंसर दे सकते हो ना। अगर मैं पूछूं आप सभी से मेघालय के राज्यपाल कौन है, फटाफट, तो दिमाग में डाउट आएगा क्या कि भैया मेघालय के बारे में पता नहीं है? तथागता रॉय, एक बार में आंसर आना चाहिए आपके मुंह से, बहुत बार पढ़ा चुके हैं। 254 नंबर, क्या बोल रहा है? आरबीआई ने हाल ही में किस उद्देश्य के लिए एक विरोध विशेष ओएमओ ऑपरेशन ट्विस्ट जो है वो आयोजित किया है, किस चीज के लिए आपको बताना है फटाफट। कितना नंबर क्वेश्चन है? 254 नंबर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से याद आया, आज बहुत जगह पेमेंट कर रहे थे, पेमेंट तो जा ही नहीं रहा था भैया। फोन में क्या है, फोन पे वैलेट सारा दिन ठप था। क्यों भैया ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जो ये बैंक है ना, यस बैंक, डूब रहा है। ये बोल रहा है पैसा नहीं है, एनपीए होने वाला है भैया। ऐसा कंडीशन आ गया देश में, बहुत कंडीशन खराब है। और अभी बोलेंगे तो नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। आप जब एक्चुअल में ना, आज के देश का माहौल कैसा हो गया आप समझने का प्रयास करिए। आज का देश का माहौल आप कभी भी देखना ना, इंसान मां बाप का पढ़ाया हुआ पढ़ाई भूल गया है। आज के डेट में पढ़े लिखे इंसान भी कहां पढ़ाई कर रहे हैं, बचपन से अब शुरुआती पढ़ाई कर रहे हैं, व्हाट्सएप से पढ़ाई कर रहे हैं। व्हाट्सएप में कुछ चीज शेयर किया जाता है और धड़ल्ले से उतनी स्पीड से वो भी शेयर करते हैं दूसरे जगह। एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हम देश का जिम्मेवार नागरिक है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो जो चीज मेरे पास शेयर किया गया उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरे माँ पापा ने बहुत कष्ट से हमें पढ़ाया है, तो इतना तो काबिल है कम से कम उसके चीज बारे में पढ़ ले शेयर करने से पहले। स्टार्टिंग में आपको मान लो एक पूरा वीडियो है ना, उस वीडियो का इतना पार्ट आपको काट कर दिखाया जाएगा, देखो ऐसा चीज चल रहा है देश में, या फिर इस वीडियो का इतना पार्ट काट कर दिखाया जाएगा आपको और आप शेयर करोगे, पूरी बात देखे या बीच का थोड़ा सा क्लिप और आप शेयर करोगे, समझ रहे हैं? अभी मैं बात बताऊं ना, आपको बताना नहीं चाहता हूं, अभी कुछ दिन के बाद लीक हो जाएगा। मैंने क्या नाम लिखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत जल्द इसका कंडीशन भी खराब होने वाला है, आप सभी के सामने एग्जाम्पल आएगा। जिनको इन्होंने जितना लोन दिया है ना, जिस कंपनी को लोन दिया है 20-20 हजार करोड़, 40-40 हजार करोड़ का लोन दिया गया है, और वो कंपनी बोल रही है पैसा देने का औकात नहीं है मेरे पास। अब जब पैसा नहीं दे पाएंगे तो क्या होता है बैंक में? बैंकिंग में आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है, एनपीए। अब सरकार क्या करेगी, जो उसका एसेट्स रखा गया है उसकी मोली लगेगा। अब मान लो कोई आदमी 20 हजार करोड़ का लोन लिया है और उसकी नीलामी जब हो रही है ना उसकी संपत्ति की, तो पता है बोली कितना लग रहा है, 100 करोड़ 200 करोड़, ये बोली लग रहा है। लोन लिया गया 20 हजार करोड़ का, समझ रहे हैं, कहां से भरपाई करेगा? और कौन लोन लिया है मैं ये नाम भी डिक्लेयर कर सकता हूं। और स्टेट बैंक के पहले चेयरपर्सन कौन थे, अभी वो किस मुकेश अंबानी के पास कौन सा पोस्ट उनको मिला है और वही बोली लगा रही है, बहुत कुछ है। जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना, जब इकोनॉमिक्स टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया, डिटेल में आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाटा पढ़ेंगे तो आपको सच्चाई निकलेगा। समझिएगा चीज को, पूरा गेम को समझिए क्या हो रहा है आज के डेट में। और जब आप ये सब बात बोलेंगे ना, अभी बहुत जन हमको बोल सकते हैं यहां पर, आप भैया आप देशद्रोही हैं, आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तुम भैया आप पाकिस्तानी हैं, बहुत जन बोल देगा, कोई बड़ा बात नहीं है, बोल देगा तुम अनपढ़ है, कोई भी बोल सकता है सच्चाई। तो कम से कम और क्या चाहिए भाई, बैंक में पैसा नहीं है, युवा बेरोजगार है, अब देश में कितना अच्छा दिन आपको चाहिए, और क्या चाहिए देश में आपको बताइए, आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, बॉन्डों की बिक्री और खरीद, ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। अगला,
माँ बाप पढ़ाए हैं तो उस पढ़ाई के बलबूते पर ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, व्हाट्सएप से जानकारी जो मिलता है वहां से नहीं, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है, एशियाई विकास बैंक कितना, 490 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। किसको दिया है वो बताना है, किस चीज के दिया गया है, किस राज्य ने एडीपी, यहां पर एडीपी हो गया हिंदी में, एडीबी होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, इंडिया के साथ पीपीपी, पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के लिए 490 मिलियन के लोन पर डील साइन हुआ है। कहां, किसके, कौन से राज्य के साथ, ये आपको बताना है। तो आप बोलेंगे भैया ये भी आसान है ना, मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी सर, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, लालजी टंडन, लालजी टंडन, मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजधानी भोपाल। अगला 256 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, और एडीबी एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो वो भी पता है आपको, मासाटी सुगू आसाकावा। अब ऐसा भी बड़ा बात नहीं है, बहुत जन हमको गाली भी दे सकते हैं वीडियो में, क्या बकवास कर रहे हैं भैया आप, क्या बोल रहे हैं भैया, समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग लगाओगे खुद का तब पता चलेगा। अभी किसी के पास जाओ ना, कि अगर हम कल रोड पर आ गए ना, कल रोड पर हम आ गए आंदोलन करने ना, अभी बहुत जन बोल रहे थे भैया आप आंदोलन करने नहीं आए, ये नहीं करने आए, मैं बहुत जन का रिप्लाई ऐसा वीडियो में आकर बहुत कुछ बोल सकता था, सच्चाई ठीक है, क्या जरूरत है, छोड़ो, अभी आंदोलन करने अगर आ गए ना वो बात अलग है, ये बात अलग है। अगर मैं आज आंदोलन करने आ गया रोड पर 1000 बच्चों को लेकर ना, लेकर आ गया, पता है लोग क्या बोलेंगे, देशद्रोही है, प्रदर्शनकारी है ये देश का, ये देशद्रोही है, ये प्रोटेस्ट कर रहा है, ऐसा तो सुनने को मिलता है अपने हक के लड़ने के लिए। और कौन बोलता है, जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, जो पॉलिटिक्स करते हैं वो दो को भड़काएंगे, वो दो चार को, और वो लोग हम मेरे ऊपर, हम लोग नहीं समझते हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, ज्ञान नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, यहां पर बोल रहा है कौन सा देश 40 से अधिक वर्षों के बाद प्रधान की स्थिति को फिर से जीवित किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन बनता है, ये सब क्वेश्चन का क्वालिटी होता है जो एग्जाम में बनना चाहिए। 40 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर का पद दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है कौन से कंट्री में, तो आप बोलेंगे क्यूबा में। कहां पर, क्यूबा, क्यूबा का राजधानी हवाना, सभी को पता है क्यूबा का राजधानी, तो आप बोलेंगे भैया क्यूबा का राजधानी हवाना है। अगर मैं बोलूं आप एक बताओ यहां का मुद्रा क्या है, तो आप बोलेंगे भैया पेसो है। अच्छा अगर मैं बोलूं वो प्रधानमंत्री जो अभी हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया उनका नाम क्या है, बोलेंगे आप मैनुअल मैरेरो, MARERO क्रूज, ये नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं क्यूबा के। ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे, अरे हमको बना दो ना यार, करंट अफेयर का सारा क्वेश्चन हम सेट कर देंगे, क्वालिटी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनने के लायक होता है। एक ऐसा देश है जो 40 साल के बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को फिर से स्टार्ट किया है, क्या नाम है पीएम का वो बताना है, तब ये क्वेश्चन जब पढ़ोगे तब तो आंसर। अगला 257 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, किसे सीएमडी बना दिया गया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थिति से ऊपर उठाया गया है, 257 नंबर आपका क्वेश्चन है, फटाफट आंसर। क्या बोलेंगे, दिवेश श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला 258 थोड़ा कमेंट्स भी देख ले, गाली वगैरह कोई कुछ क्या दे रहा है देखना बनता है एक बार, आवाज रैगिंग कर रहा है क्या, हेलो साउंड सही कर लो प्लीज, साउंड सर, हेलो हेलो हेलो, प्रॉब्लम है क्या साउंड में, हेलो हेलो जितेंद्र कुमार, हेलो
सही तो लग रहा है। हेलो हेलो हेलो, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर तो साउंड? हेलो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर साउंड तो क्लियर नजर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? हेलो, ठीक तो है? हेलो, ठीक है, अभी यहाँ तो क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के वैश्विक बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? गणेश शर्मा, अनुपम श्रीवास्तव, रानी खन्ना और मल्लिका श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर आपका डी, मल्लिका श्रीनिवासन। आवाज सही है ना? अगला क्वेश्चन ले जा रहे हैं, एक बार आप बोल देना भैया आवाज जो है वो क्लियर है। फीफा में इंडिया का रैंकिंग बताना है आपको कितना है और टॉप पर कौन है? बेल्जियम है, मैंने बताया था। इंडिया का रैंकिंग बताओ। डबल साउंड आ रहा है भैया, और कुछ वीडियो चल रहा है क्या? हाँ सॉरी, अभी साउंड आपका सही आ रहा होगा, वो बैकग्राउंड में मेरा डबल एक वीडियो और चल रहा था, अभी साउंड जाकर आप सभी को क्लियर होगा। सॉरी, पीछे में क्या है, एक वीडियो और चल रहा था, यही मैं बोलूं, साउंड तो यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है, अभी साउंड जो है वो परफेक्ट आ रहा है। एक बार आप सभी कमेंट कर देना कि भैया अब जाकर साउंड जो है वो परफेक्ट है। इंडिया का रैंक क्या है? 108। टॉप पर कौन सा कंट्री है फुटबॉल में? बेल्जियम, ठीक है। एक बार कमेंट करिएगा आप सभी, यहां पर क्या बोल रहा है? एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आज मैंने एग्जाम का क्वेश्चन नहीं देखा कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया क्या क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन संडे को शाम को 6 बजे सारा क्वेश्चन करा दूंगा। लेकिन कल एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जिन्ना किता ने महिलाओं की राष्ट्रीय 10 मीटर एयर राइफल जीती है, यह आयोजन किस शहर में किया गया था? भोपाल में हुआ था। 63वां चैंपियनशिप जो हुआ था शूटिंग का, वो भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश में। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 मीटर एयर राइफल में किसने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है, तो जिन्ना की था, ये एग्जाम में क्वेश्चन था। अगला 261, अभी आवाज आप सभी को परफेक्ट आ रहा होगा, एक बार कमेंट करिएगा साउंड सही है ना। अभी चैंपियनशिप जो हुआ था शूटिंग का, वो भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश में। अभी साउंड सही है ना? बैक साउंड आ रहा है, अब कहां आ रहा है बैक साउंड? अभी तो सही है। गोल्ड मेडल जो है वो जीता है, तो जिन्ना की डबल साउंड आ रहा है। एक वीडियो और स्टार्ट था यार, कितना वीडियो बैक में स्टार्ट चला है। पहले तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, पहले सभी को सॉरी बोलते हैं, क्योंकि मैंने देखा नहीं एक्चुअल में, पीछे में 2 वीडियो मेरा और चल रहा था, और आप सभी बोल रहे हैं भैया डबल साउंड कहां से आ रहा है। अभी आपको डबल साउंड सुनाई नहीं दे रहा होगा, ये मैं कंफर्म हूं, अभी आप सभी को डबल साउंड नहीं आ रहा होगा। परफेक्ट ना? अभी आप चेक कर लो, सबको डबल साउंड अभी बिल्कुल नहीं आ रहा है। मेरा 2 वीडियो चल रहा था बैकग्राउंड में, मैंने चेक किया ही नहीं, यही वीडियो का साउंड आपको डबल सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। आंसर बोलो इसका, क्या बोला है आपको यहां पर? 66 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, और 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहां पर हुआ था? तो नई दिल्ली में। और वो मूवी कौन सी है जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो अंधाधुन, ऑप्शन नंबर ए, अंधाधुन को दिया गया था। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था आदित्य को, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। अगला क्वेश्चन ही शायद है, देख लेते हैं। अगला एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने, यहां पर बोला है सर्वश्रेष्ठ निदेशक के लिए राष्ट्र फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आदित्य धर को, ऑप्शन नंबर सी। किस मूवी के लिए? हाउ द जोश सर, कौन सा मूवी है ये? आप सभी ने देखा होगा यूरी, एक बार कमेंट करिएगा, आवाज अभी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ना? एक बार डबल साउंड आ रहा है, अब डबल साउंड का तो सवाल ही नहीं उठता भाई। हाँ अब सही है सर, चलो अभी सही है ना। अगला क्वेश्चन 263, यहां पर क्या बोल रहा है? 263 नंबर में
यहां पर बोल रहा है आप सभी को, हाल ही में गैलापागोस द्वीप है, ये एक आइसलैंड है समूहों का, किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है यहां पर इस द्वीप में, इस द्वीप पर, इस आइसलैंड पर आपातकाल घोषित किया गया है, यह जो द्वीप है वो कहां पर है ये आप सभी को बताना है। तो ये है आपका इक्वेडोर में, ऑप्शन नंबर आपका डी, इक्वेडोर में ऑप्शन नंबर आपका डी। और इक्वेडोर का राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे भैया लेनिन मोरेनो। यहां के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे लेनिन मोरेनो। ठीक है, ये आप याद रखना लेनिन मोरेनो। अगर मैं बोलूं यहां का राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, तो यहां पर जो है ना मुद्रा इस्तेमाल होता है वो अमेरिका वाला यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ये आप याद रखना। यहां पर इस देश में जो है वो इसी का मुद्रा इस्तेमाल होता है। और कैपिटल की बात करें, राजधानी क्या है इस कंट्री का, तो वो है आपका क्विटो, QUITO, ये कैपिटल है, ये मुद्रा इस्तेमाल होता है इक्वाडोर में। और इक्वाडोर का प्रेसिडेंट का नाम क्या, लेनिन, LENIN मोरेनो। ठीक है, याद रहेगा ना। और ये जो द्वीपों का समूह है जिसका नाम है आपका ग्लैपागोस, ये कहां पर है, इक्वाडोर में। अगला 264, साउथ अफ्रीका के वो कौन से प्लेयर है जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है सभी क्रिकेट के फॉर्मेट से। हालांकि यार ये लोग रिटायरमेंट लेते हैं, दोबारा खेलते हैं, दोबारा लेते हैं, दोबारा खेलते हैं, अजीब है इनका कहानी भी। कौन लिया है, ऑप्शन है आपके सामने रबाडा, वो तो अभी बहुत दिन खेलेंगे, फिलेंडर, और उसके बाद रैसी वेंडर डसन मिडिल ऑर्डर, अभी तो ये जवान है, डेविड मिलर खेल ही रहे हैं, तो एक ही ऑप्शन आप सभी के सामने है, क्या है आपका, फिलेंडर, ऑप्शन नंबर बी। साउथ अफ्रीका के बहुत लाजवाब बॉलर थे, बैटिंग भी ठीक ठाक ये कर लेते थे। अगला, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरल रामाफोसा, राजधानी केप टाउन, मुद्रा साउथ अफ्रीकन रैंड। अगला 265, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी आप सभी को कराया ना, कि जो मैनुअल मैरेनो क्रूज है वो कहां के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, 40 साल के बाद ये प्रधानमंत्री का पद फिर से जीवित किया गया है, तो क्यूबा का, क्यूबा का मुद्रा क्या है, हवाना। क्यूबा का मुद्रा हवाना नहीं है, राजधानी हवाना है, मुद्रा पेसो है। अगला 266, आपको बोला है नेशनल फार्मर डे हम लोग कम मनाते हैं हर साल, ये आपको बताना है नेशनल फार्मर डे कब, तो ये मनाया जाता है आपका 23 दिसंबर को, कब, 23 दिसंबर को मनाते हैं। और एक बात, एग्रीकल्चर के ऊपर कितना रुपया खर्चा करने का बोला गया है इस बार के यूनियन बजट में, तो इस बार एग्रीकल्चर के ऊपर खर्चा करने का अमाउंट 2.83 लाख करोड़, इतना पैसा एग्रीकल्चर के ऊपर खर्चा किया जाएगा, ये अमाउंट याद रखना। ठीक है, अगला 267 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, 267, यहां पर क्या बोल रहा है आप सभी को, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, Who among the following was recently appointed as the director of the National Science Foundation of America, नाम क्या है, तो नाम देखो उनका अजीब है, सेदु रमन पंचनाथन, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला 268, यहां पर क्या बोला, थॉमस चैंडी जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, यह एक राज्य के, किस राज्य के ये मंत्री थे पूर्व, आपको बताना है, तो केरला के ये मंत्री थे जिनका निधन हुआ है, कहां के, केरला के, केरला के मुख्यमंत्री कौन है, पिनारायि विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम। 269 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, बेंगलुरु ओपन गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती है, अविनव ने, अविनव लोहन ने, ऑप्शन नंबर आपका सी। गोल्फ क्या होता है भैया, वो मारते हैं ना बॉल को बड़े वाले स्टिक से, उसी को बोलते हैं गोल्फ, ये अविनव ने जीता है जो बेंगलुरु में इसका हुआ था आयोजन। 270 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के बॉलर है,
आप सभी को पता है बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है, और ये सबसे महंगे खिलाड़ी है, विदेशी महंगे खिलाड़ी जिनको 15.5 करोड़ में खरीदा गया है, किस टीम ने खरीदा है, तो इसको खरीदा है कलकत्ता नाइट राइडर ने, केकेआर ने, आंसर यही होगा। और मुझे तो अजीब, बहुत मार खाएंगे ये बॉलर, बहुत ज्यादा, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है कि आपने इसके इनके ऊपर इतना अमाउंट लगा दिया 15.5 करोड़, दारू पीकर बैठे रहते हैं आईपीएल के ऑक्शन में केकेआर वाले, इसको इनको छोड़ दिया, हद है, क्रिस लिन को इन्होंने छोड़ दिया, समझ ही नहीं आया लॉजिक। जो बल्लेबाज अभी इतना मस्त खेल रहा है, अभी केएफसी टूर्नामेंट में, फिर अफ्रीका वाला में, इसको छोड़ दिया गया, हालांकि एक बैट्समैन बहुत अच्छा लिया, टॉम बैटन। भाई आप केकेआर को सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं, ऑलवेज चेन्नई मुंबई, लेकिन फर्स्ट चेन्नई। 271 यहां पर बोल रहा है आप सभी को, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने सरकार ने के स्कूलों के में कितने कौशल केंद्र और प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने सरकार के स्कूलों में, यानी सरकारी स्कूल में, कितने कौशल केंद्र और प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है, यह आपको बताना है 271 में। 500 कितना आपका? 500 ठीक है। 272 कौन सा अफ्रीका का कंट्री है जिन्होंने अपना पहला सैटेलाइट चाइना से लॉन्च किया है, चाइना से इसका किया गया परीक्षण, कौन है यह आपको बताना है। और एक बात, उस सैटेलाइट का नाम भी याद रखिएगा, ETR SS1, यह वो सैटेलाइट था जो इथियोपिया के द्वारा लॉन्च किया गया था चाइना से। यार मैं सोचता हूं ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर क्यों नहीं देता है, क्वेश्चन सेट करने नहीं आता है, कैसा कैसा एग्जामिनर बैठा है, क्वालिटी का क्वेश्चन सेट करो, करंट अफेयर का मतलब, एग्जाम का स्तर बहुत गिर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए इथियोपिया, बता ही चुका हूं। अगला 273 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, दोहा में छठवे कतार इंटरनेशनल कप में महिलाओं की 49 किलोग्राम जो है आपका भारोत्तोलन श्रेणी में किसने स्वर्ण पदक जीता है, वेट लिफ्टिंग की बात कर रहा है, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर आपका डी, इन्होंने जीता है। 274 ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बना, मतलब बताओ ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनना चाहिए भाई, ये सब क्वेश्चन। करंट अफेयर का मतलब क्या होता है? जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिसका चर्चा बहुत ज्यादा जा रहा है, जिस क्वेश्चन के आने के बाद बहुत चर्चित हो रहा है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था, हाल ही में पश्चिम अफ्रीका में ना द्वारा घोषित किया गया है वहां एक करेंसी, हाल ही में पश्चिम अफ्रीका द्वारा घोषित आम का नाम क्या है? आम का नाम, यहां पर गलती बोल रहा है, यहां पर ना हिंदी में ट्रांसलेट गलती हुआ है, यहां पर बोला है कि पश्चिम अफ्रीका में ना एक करेंसी लॉन्च किया गया है कि अब वहां के कंट्री को यही करेंसी इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस करेंसी का नाम क्या दिया गया है? तो उस करेंसी का नाम दिया गया है इको। ये सब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आने के लिए। 275 यहां पर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? तो भैया कितना बार करा चुके हैं बताइए भैया, अशरफ घानी, ऑप्शन नंबर सी, दोबारा इनको बनाया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी। अफगानिस्तान का राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान का मुद्रा क्या है? अफगानी। ठीक है, अभी आवाज क्लियर है ना, एक बार और कमेंट चेक कर लूं क्या, देख लेते हैं इसका आंसर बोल, तब तक आप सभी। यस बैंक, बैंक बंद, डबल साउंड, एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है, फ्रॉम वेयर? Did not get it, man. अगला क्या होगा? अभी साउंड तो परफेक्ट है यार। 276 अंदर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? नाम बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हर्षवर्धन सिंघाल, ऑप्शन नंबर आपका ए। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने के लायक है। क्या भैया आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं फंसा है क्या? पूरा फंसा है। करेंट अफेयर का जितना भी क्लास करवाए हैं सीजीएल ना, एक एक क्वेश्चन देखकर फंसा है।
ठीक है, इसका टेंशन मत लो आप सभी। 277 Who was named the captain of Australia cricket ODI team of the decade? 276 MS Dhoni, Virat Kohli, AB de Villiers और Shakib Ul Hasan। दशक की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की एक दिवसीय टीम का कप्तान किसे चुना गया? तो दो ही जन थे आपका, एक तो MS Dhoni टेस्ट वाला, आप याद रखना ये चीज, आप याद रखिएगा टेस्ट में किसको चुना गया है, तो टेस्ट में बोलेंगे भैया विराट कोहली और वनडे में MS Dhoni, ये याद रखना। वनडे में ओडीआई में अपना माही और टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विराट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओडीआई की बात कर रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, धोनी। अगला, और यहीं पर बात किया है अगले क्वेश्चन में आप सभी से टेस्ट टीम को लेकर, तो ये क्या हो जाएगा, अभी बता दिए हैं विराट। अगला 279 यहां पर बोल रहा है आप सभी को 279 में कि विप्रो ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ, किस चीज के लिए, भारत में 10,000 इंजीनियरिंग छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए भागीदारी की गई है किसके साथ, आपको बताना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो नैसकॉम के द्वारा, किसके द्वारा, नैसकॉम के द्वारा, और विप्रो के सीईओ कौन है, सीईओ बोल रहा हूं, चेयरपर्सन ऋषभ जी प्रेम जी, सभी को पता है विप्रो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में भैया, नैसकॉम का, नैसकॉम का हेडक्वार्टर भैया नई दिल्ली में। अगला चलो फिच रेटिंग, अच्छा नैसकॉम के बारे में सुन लो, मैंने क्या बताया विप्रो का रसिद प्रेम जी, और विप्रो को मैंने क्या बताया, विप्रो का चेयरपर्सन कौन है, तो वो बताया मैंने रसिद प्रेम जी, ये नोट कर लीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये विप्रो के चेयरपर्सन है, विप्रो का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये है आपका बेंगलुरु में। अगर वही बात करें नैसकॉम को लेकर, तो नैसकॉम के चेयरपर्सन कौन है, के आर मुर्गेश, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन पर, यहां पर क्या बोल रहा है, फिच रेटिंग ने, अभी देखो अब ऐसा कंडीशन आ गया है ना कि हर एक एजेंसी जो है वो इंडिया का रेटिंग कम कर रही है, इंडिया का रेटिंग कम कर रही है हर एक एजेंसी। अभी फिच रेटिंग के द्वारा 2020 में जो है इंडिया का विकास दर कितना किया गया है, तो 4.6 लेटेस्ट डाटा है ये वाला, याद कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला यहां पर बोला AIIB, अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अनाउंस किया कितने रुपए का लोन देगा किसको, तो आप सभी को, भारत को, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत में सिंचाई और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कितना लोन देने का घोषणा किया है, तो $210 मिलियन, कितना, $210 मिलियन, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी है, ये आप याद कर लीजिएगा। और एक बात याद करिएगा आप सभी, एशियन, और हाँ AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो बीजिंग चाइना में है। उसके हेड कौन है, हेड तो आप बोलेंगे जिन लिंगपिन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि कल तो मैंने सब पढ़ा, कल ही पढ़ा दिया गया ये सब चीज, ये सब सारा चीज कल पढ़ा दिया गया है। 282 तेलंगाना के लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये बताना है, CV रामालू, ऑप्शन नंबर बी, CV रामालू को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी, CV रामालू। अगला, अच्छा तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव, राजधानी हैदराबाद, और क्या बताऊं, राज्यपाल बताइए भैया, तमिलसाई सौंदरराजन जो है वो तेलंगाना के राज्यपाल है। अगला 283 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ ओयो, ओयो का मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अमितेश श्रीवास्तव, उपेंद्र सिंह, अखिस्ता भल्ला या अंकित गुप्ता, 283 गुप्ता जी को, किसको, ठीक है,
अगला, इंडियन एयरफोर्स जो है वो कितना लाख करोड़ रुपए खर्चा करेगी लड़ाकू जेट स्विफ्ट ट्रायल की योजना बना रही है उसके लिए कितना रुपया खर्चा किया जाएगा। उसके पहले ये बताओ इंडियन एयरफोर्स का चीफ कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और कितना रुपया खर्चा करेगी? 1.5 लाख करोड़। 1.5 लाख करोड़ ऑप्शन नंबर आपका कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी। अगला, यहां पर बोला है सरकार ने अपने 12 वर्ष में रेलवे के आधुनिकरण के लिए 50 लाख करोड़ रुपए जो है वो खर्चे करने का प्रस्ताव पास भी कर दिया गया है। कितना? 50 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला 286। हाँ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आया। विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म पेड़ों को हाल ही में कहां खोजा गया है? तो न्यूयॉर्क में। कहां पर? अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी यानी न्यूयॉर्क में खोजा गया है। कहां पर खोजा गया है? न्यूयॉर्क में। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए था भाई। एग्जाम में तो क्वेश्चन इतना आसान आसान दे रहा था, सीजीएल का स्टैंडर्ड को बहुत गिरा दिया गया इस बार। अगला 287। चलो, क्या बोल रहा है आईसीसी ने? अच्छा, यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आईसीसी ने 2020 महिला टी20 विश्व कप के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? तो आप सभी को पता है ना, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को पता है कि अभी का भैया महिलाओं का टी20 जो वर्ल्ड कप है ना वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, और फाइनल में ना भैया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में भिड़ने वाली है। आप सभी को पता है 8 तारीख को मैच है। 8 तारीख को क्या है? वुमेन्स डे है। तो उस दिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, फाइनल मैच महिलाओं टी20 वर्ल्ड कप का। ये कहां पर हो रहा था? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है? शशांक मनोहर। करवाया हुआ क्वेश्चन है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का हेड कौन है? तो ये भी करवाया है आपको, हेनरियट्टा H4, ये भी करवाया है। और हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में। एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, एग्जाम में फाड़ कर आना आप सभी। अगला 288। यहां पर बोल रहा है अवतार सिंह मक्कार, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह कहां के राष्ट्रपति थे? किसके अध्यक्ष थे? राष्ट्रपति नहीं, किसके अध्यक्ष से यह पूछा है? जल्दी क्या होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा? हेलो, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। अगला 289। यहां पर क्या बोल रहा है? प्रोफेसर आल एल एस शेषगिरी राव किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? राइटिंग। क्या बोलेंगे आप सभी? राइटिंग। ऑप्शन नंबर आपका कितना है? सी ए की डी है, राइटिंग। ऑप्शन नंबर सी है, राइटिंग, लेखक। 290 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए, एसकॉम के बारे में पूछ रहा है 90 नंबर। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने लायक क्वेश्चन था लेकिन बना नहीं। क्वेश्चन क्या था यहां पर? पीएम मोदी ने हाल ही में एसकॉम के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया गया है, इस सम्मेलन का विषय क्या था यह आपको बताना है। क्या था इसका विषय? तो आप बोलते हैं ऑप्शन नंबर आपका न्यू दिल्ली, 5 ट्रिलियन बनाने का टारगेट है मोदी जी का, वही था आपका न्यू इंडिया एस्पायरिंग फॉर अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक। ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। अगला न्यू इंडिया एस्पायरिंग फॉर अ यूएसडी, बिल्कुल 291। यहां पर क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 तारीख को। रामा अंजुन, सभी को पता है श्रीनिवासन रामा अंजुन मैथ के जादूगर, उनके जन्म दिवस के रूप में जो है वो मैथमेटिक्स डे मनाते हैं 22 दिसंबर को, ठीक है। अगला 292, 292 क्या बोल रहा है हमारे सामने? यहां पर बोल रहा है आप सभी को मेसना मूल वर्ग
ने बांग्लादेश जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन श्रीलंका जीती है। श्रृंखला 2019 कहां आयोजित किया गया था? ढाका में, बांग्लादेश का ढाका में। ऑप्शन नंबर आपका डी। आज क्लास थोड़ा लेट हो गया क्या? थोड़ा सा क्लास लग रहा है मुझे लेट है, क्योंकि 12:10 होने वाला है। कितना क्वेश्चन हुआ अभी तक? 43 क्वेश्चन हुए हैं। कितना टाइम में? 43 मिनट नहीं हुआ, 40 मिनट में, ठीक ही ठाक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सेवर्स 4A पृथ्वी संसाधन उपग्रह को लॉन्च किया गया है किस देश के द्वारा? चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा, चाइना। 294 ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है किस रेलवे स्टेशन पर? मोटा मोटी यही बोला है, ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है कौन से रेलवे स्टेशन पर? नासिक, नासिक रेलवे स्टेशन। भैया एक क्वेश्चन बताओ, देश के रेल मंत्री कौन है? क्या बात कर रहे हैं भैया, उनका नाम आता है मुंह से भी एक गाड़ी निकलता है। चलो अगला 295 क्या बोल रहा है यहां पर? 295 में यहां पर बोल रहा है आप सभी को, इंटरगल कोच फैक्ट्री ने 215 दिन में कितने कोच का निर्माण कर एक रिकॉर्ड बना दिया गया है? अरे बाप रे बाप, 215 दिन में ना कितना कोच फैक्ट्री बनाया गया है? तो 3000। ऑप्शन नंबर आपका बी, चेन्नई में, ठीक है, सबसे बड़ा वही है। 296 लोक सेवा वितरण में सुधार पर क्षेत्रीय सम्मेलन सरकार की भूमिका कहां आयोजित की जा रही है? वेयर इज द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंप्रूविंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी रोल ऑफ गवर्नमेंट बीइंग हेल्ड इन नागपुर? अगला 297 एस जयशंकर विदेश मंत्री, बिल्कुल एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री के साथ 19वीं संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की बैठक की है। यह बैठक कहां पर हुई थी? ईरान का राजधानी क्या है? तेहरान में। ईरान के राष्ट्रपति हसन रोहानी, रोहानी ROHUNI नहीं, रोहानी ROUHANI, ये परफेक्ट है। और मुद्रा, तो मुद्रा है आप सभी का ईरान का ईरानियन रियल, RIAL है, ठीक है। अगला 298 यहां पर क्या बोल रहा है? केंद्र सरकार ने अपने 5 वर्षों में कितना हुनर हट्स आयोजित करने की योजना बनाई है? 100 कितना? 100। आज क्लास थोड़ा जल्दी करवा रहे, बहुत तेज भूख लगा हुआ है। 299 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कल करवाया क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है? कलोनी स्विट्जरलैंड में। ये सब मत भूलना आप सभी यार, बहुत मेहनत कर क्लास करवाएं, एग्जाम में पूछ देगा, और एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है CGL में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कॉलोन, ये जी साइलेंट है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन क्या बोला है? केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में 100 से अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी में शामिल हुए थे। यह WEF की बैठक कितने नंबर थी? तो 50वां था, 50 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला 300 क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां पर क्या बोला है? YSR निथन निस्तम स्कीम आंध्र प्रदेश में किस जिले से शुरू की गई है? कृष्णा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद, और राजधानी हैदराबाद। अमरावती नहीं बना है, वो जुडिशियल है, ये भी याद रखना। 300 क्वेश्चन तक, आज 50 क्वेश्चन काफी है। चलो आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, मंडे को ये क्लास जो है दिसंबर पूरा खत्म हो जाएगा। और एक बात आप सभी को मैं बता दूं, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, एक बात और बोल दूं, आज क्लास के स्टार्टिंग में थोड़ा आवाज डबल आ रहा था, क्योंकि
वीडियो के पीछे ना मेरा दो वीडियो और चल रहा था लैपटॉप में और मैं नोटिस नहीं किया बंद किया हुआ। जब पहला बंद किए तो मुझे कंफर्म होगा कि आवाज अब क्लियर आ रहा है, लेकिन फिर भी जब कमेंट्स देखे कि भैया आवाज अभी भी डबल आ रहा है, तो मैंने देखा दूसरा वीडियो भी ऑन है, उसके बाद आवाज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया होगा। तो जितने भी मेरे भाई बहन है सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। और कल शनिवार है तो कल तो रात को मुलाकात होगी नहीं, अब कब होगा मुलाकात हमारा आपका? सोमवार को रात को 10 बजे। ठीक है भैया, इसके बीच में कोई वीडियो नहीं आया क्या? आएगा ना, एक दो वीडियो मोटिवेशन को लेकर आएगा आप सभी को। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन।